अगर इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक होता है तो क्या हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है? देखिए, इंडिया एक न्यूक्लियर ट्रायड नेशन है, यानी कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को सी, लैंड एंड एटमॉस्फेयर से लॉन्च कर सकते हैं। हेंस अगर इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक होता है तो ऐसे केस में सबमरीन्स लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे कि K-15 हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आज इंडिया के पास सिर्फ दो सबमरीन्स हैं जो न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च करने के साथ साथ न्यूक्लियर पावर से चलती हैं, INS अरिहंत और INS अरिखात। वही चाइना ऐसी 7 सबमरीन्स ऑपरेट करता है और चाइना के जेल मिसाइल्स की रेंज 8000 किलोमीटर की है, यानी कि चाइना सबमरीन्स के थ्रू इंडिया में कहीं भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। वही इंडिया के K-4 मिसाइल्स जो अभी तक ऑपरेशनल नहीं है, उनकी रेंज सिर्फ 3500 किलोमीटर की है।